हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इतना वाहियात है ना। तो आज की वीडियो को दो हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगा। जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, कैरेक्टर डिफाइन करता है, कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा अभी हमारे दम पे ये सिलेक्ट हुआ है, जो कि तू यूपीएससी छोड़, तू स्टेट पीसीएस ट्राई कर ले या एक यूपीएससी में पोस्ट निकाले, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिग थैंक यू, आपने मेरी रिसेंट वाली वीडियो को इतना प्यार दिया। तो लास्ट वीडियो में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे एंड काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि एज अ बिगनर किस तरीके से हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को दो हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पोर्शन में तो मैं बताऊंगा कि एज अ बिगनर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और मैंने किस तरीके से की थी, और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। और जो दूसरा जो पार्ट होगा, उसमें जो रिसेंटली काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, एक यूपीएससी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसको लेके ना काफ़ी एक मिथ सी बनी हुई है। एग्ज़ाम ऐसा है कि लाइक आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है, और साथ में काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है, भाई तू स्टेट यूपीएससी छोड़ दे, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर ले, या तू ये छोड़ दे, यूट्यूब छोड़ दे, ठीक है, और कि तू सिर्फ यूपीएससी का ही ध्यान दे। तो जो यूपीएससी जो बिल्कुल ही बिगनर है उनके लिए मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है, और जितने भी यूपीएससी के टॉपर्स हैं या यूपीएससी जो क्रैक किया है उनके जाके इंटरव्यू देखने हैं, और जो उनकी टॉक्स हैं वो देखनी है। तो ये आपको सोर्सेज भी मैं साथ में बता देता हूँ, ये आपको विजन आईएएस जो है वहाँ पे मिल जाएंगे, और दृष्टि आईएएस पे आपको इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे, और बाकी आप जैसे नाम सर्च करोगे यूपीएससी टॉक या जिस तरीके से, वो आपको पता चल जाएगा। और इसके लिए एक मैं स्पेशल चीज़ रेकमेंड करना चाहता हूँ, वो ये है कि 2000 आई थिंक मेरे को बैच याद नहीं थे, 2018 बैच है जिसमें सृष्टि देशमुख और अक्षय जैन, ये वाला जो बैच है ना, ये जो आईएएस ऑफिसर है ना जिन्होंने क्रैक किया, इनके इंटरव्यू जरूर जाके देखना। क्योंकि तो ना आजकल आपको पता है कि थोड़ा सा ना जो ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है हमें नहीं मिलती है आजकल, बहुत ही चीज़ों को ना शुगर कोट करके बोला जाता है कि कोचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ जो ऐसा नहीं है, ठीक है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ऐसा भी करते हैं कि सीधा जाके ना उनको ये लगता है कि अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ है ना, कि भाई ये हमारा है, अभी हमारे दम पे ये सिलेक्ट हुआ है, जो कि ऐसा नहीं है भाई। मेहनत, बच्चा मेहनत करता है। आप उनकी एक छोटी सी टेस्ट सीरीज ले लो, मतलब टेस्ट सीरीज जाके वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर रहे हो, और उसी में वो आपका फोटो छाप देंगे बड़ा सारा कि ये इसने हमारे यहाँ से कोचिंग लिया है, ये हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुआ है। तो ये बहुत मैनिपुलेटिंग चीज़ हुई पड़ी है। तो आप वहाँ से जाके गाइडेंस ले लो। और वो जो बैच था ना, मैं सच बताऊँ आज तक मैंने बहुत इंटरव्यूज़ देखे हैं, मुझे सबसे सही 2018 वाले बैच के जो आईएएस ऑफिसर थे उनके टॉक्स अच्छी लगी। तो कंप्लीट उन्हें देखना, उनकी क्या प्रिपरेशन थी उस तरीके से देखना, ठीक है, तो वो बता देंगे वो। तो चलो एडवांस हो गया, फिर आपको एक ना यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में पता भी चल जाएगा, कि अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता। उसके बाद अब आपको बात करते हैं पढ़ाई की। तो यूपीएससी में ना एक चीज़ हमेशा याद रखना, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ पढ़ाई के परस्पेक्टिव से नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखो, आप सोचोगे कि न्यूज़पेपर क्या ही होगा, काफ़ी लोग सोचते हैं न्यूज़पेपर से क्या ही होगा। तो देखो, आप प्रीलिम्स भी फैक्ट के दम पे निकाल लोगे, मेंस आप लिख लिख के निकाल लोगे, रट्टा मार लोगे, या कुछ भी हो, मतलब आप निकाल लोगे। बट जो इंटरव्यू होता है ना भाई, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो वो वहाँ पे आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, न्यूज़पेपर के फ़ायदे ये रहते हैं, एक तो आपकी जो वोकेबलरी होती है, वोकेबलरी एंड आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, साथ में आपको जो करंट अफेयर है ना वो प्रॉपरली पता चलता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, न्यूज़पेपर को कभी नहीं छोड़ना। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से शुरू करना, और जौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसकी एनसीईआरटी पढ़नी शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हिस्ट्री फेवरेट है तो हिस्ट्री की सिक्स क्लास से शुरू कर देना, क्योंकि जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो भी होता है, वो हमें इतना ऐसा नहीं होता कि पीएचडी करनी होती है, ठीक है, वो बेसिक लेवल के ही होते हैं, नॉर्मल लेवल के ही होते हैं। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इतना वाहियात है ना, कि जो बेसिक एजुकेशन है ना वही हमें अच्छे से नहीं कराई गई होती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि जाके आपको 6 से लेकर 12 तक पढ़नी पड़े फिर से, ठीक है, अगर आपको स्कूल में ही अच्छे से पढ़ाई हो तो आपको ज़रूरत भी नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक की ही चीज़ें आती हैं बेसिक, जो अगर बात करोगे। मैं बताता हूँ, जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसमें आया था मजोली आइलैंड था, आई थिंक मजोली आइलैंड या मजोली ना प्लेस की जगह, प्लेस का नाम है, तो पूछते कि वो कहाँ पे प्लेस है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था, वो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में दिया हुआ था, और मुझे प्रॉपरली रिमेम्बर नहीं था कि उसका आंसर क्या है, और मैं उसको गलत टिक कराया, उसका सही आंसर था असम। और वो डायरेक्टली ही ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में दिया, आई थिंक 8th 9th में जिसमें भी होगा वो उसमें दिया होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी इसको पढ़ना शुरू करो,
और अच्छे से पढ़ो, स्टार्टिंग में कभी भी ये गलती मत करना आप कि जाके आप 8-8, 10-10 घंटे पढ़ो। डेली का आप 1 से 2 घंटे पढ़ो, ठीक है, और 1 से 2 घंटे पढ़ो स्टार्टिंग में, उसके बाद आप उस टाइम को बढ़ाते जाओ धीरे धीरे। 1 से 2 घंटा आपकी कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। मैंने ऐसी शुरुआत की थी, रिजल्ट नहीं आया, बट एक होता है कि खुद से सेटिस्फाई होना, या खुद को आप सच बोलना कि हाँ भाई तूने अच्छे से मेहनत की है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरा इसी तरीके से था, स्टार्टिंग में मैंने धीरे धीरे चीज़ें की, और वो चीज़ें की जो ईजी थी। न्यूज़पेपर नो डाउट स्टार्टिंग में टफ लगेगा, वो आप कभी भी स्टार्ट करो वो आपको टफ लगना ही लगना है, बट हाँ वो ज़रूरी है। वो अगर आपने हैबिट बना ली तो आप उसमें 2 या 3 महीने लगते हैं, उसके बाद आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। साथ में आप एक चीज़ और कर सकते हो, यूट्यूब पे आपके पता हर एक चीज़ का, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ का आपको कंटेंट मिल जाएगा, फ्री कंटेंट मिल जाएगा। तो साथ में आप फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, एनसीईआरटी तो साथ में पढ़ रहे हो, तो साथ में आप उसकी वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो क्या होगा, दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लो फिर वीडियो देख लो, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने एनसीईआरटी में ये चीज़ पढ़ी और मैंने ये चीज़ समझी। और जब आप वीडियो देखोगे तो वो तो एक्सपर्ट बंदे ही पढ़ाएंगे आपको, तो फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा इसको इस तरीके से पढ़ना था, या मैंने गलत इंटरप्रेटेट कर लिया, या मैंने गलत समझ लिया। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, पहले वीडियो देख लो फिर आप बुक पढ़ सकते हो। तो बिगनर्स स्टार्ट आप यहाँ से कर सकते हो आराम से। और मंथली मैगजीन अभी आप मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है उसमें पढ़ने की, आराम से आप स्टार्टिंग में धीरे धीरे करो, आप अपना बेस बनाओ। क्योंकि हमारा जिस हिसाब से एजुकेशन या हमारा जो बेसिक है ना, अब आईआईटी आईएम वालों को तो छोड़ दो भाई, उनको उनका तो है, उनके पास रिसोर्सेज थे, उससे पहले भी पढ़ चुके हैं, बट हम जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और उसके बाद जो कॉलेज होता है हमारा वो नॉर्मल सा होता है, हमें पता है कितनी का पढ़ाई होती है, ये पूरे देश को पता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये परफेक्ट है। इतना पढ़ो, खुद को डिमोटिवेट मत करो, नहीं तो आगे का नहीं होगा चीज़। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई तू यूपीएससी छोड़, तू स्टेट पीसीएस ट्राई कर ले, या तू यूट्यूब मतलब छोड़ दे, तू सीधा इसमें प्रिपेयर कर, नहीं तो बाद में रिग्रेट करेगा। भाई देख, मैंने दो जो भी ये बंदे कह रहे हैं ना, मैं इतना बता दूं कि पहले मैंने 2 साल बहुत मैंने डेडिकेटेडली चीज़ें की हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि तुम ये चीज़ करके तुम ये चीज़ पाई लोगे, ठीक है, भले ही वो यूट्यूब हो, भले ही वो स्टडी हो, भले ही वो कोई स्किल हो, ठीक है, भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। और रही बात उसकी कि आपसे यूपीएससी नहीं होगा, तो भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, और ये मैं ओवरऑल सभी के लिए कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी जो गवर्नमेंट है वो 1,000 पोस्टें निकालती है, ठीक है। अब कई बच्चे 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी का 1,001 रैंक आया, तो 1,000 पोस्टें तो फिल हो गई, 1,001 रैंक वाला बंदा उस यूपीएससी के लिए काबिल नहीं रहा, ठीक है। वहीं पर अगर गवर्नमेंट उसकी पोस्टें बढ़ा दे, ठीक है, नंबर उतने सब कुछ सही है, उसकी पोस्टें उसने कर दी भी 1,001 कर दी, तो जो बंदा निगलेक्ट हो चुका था, जो डिजर्व नहीं कर रहा था बाकी लोगों के हिसाब से, वो ऑटोमेटिकली डिजर्व करने लग जाता है। ये किस तरीके का हिसाब किताब है बताओ? जस्ट बिकॉज तुम पोस्टों को एक्सटेंड कर दोगे तो जो अनडिजर्विंग है वो डिजर्विंग बन जाएंगे। और यहीं पे अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पूरा यूपीएससी जो यूपीएससी बॉडी है वो सिर्फ एक यूपीएससी में पोस्ट निकाले, ठीक है, एक जने की सिर्फ एक वैकेंसी है, और जो 1,000 लोग सिलेक्ट होते हैं हर साल, ठीक है, वो तो चलो डिजर्विंग है, बट तो उन्होंने एक यूपीएससी की वैकेंसी निकाली, तो अब उन्होंने एक यूपीएससी की वैकेंसी निकाली, तो आपके हिसाब से जो बाकी के 999 बंदे हैं वो अनडिजर्विंग है? ये किस हिसाब का लॉजिक है भाई? खुद को इम्प्रूव करो, बहुत सारे आपको डीमोटिवेट करेंगे, मेरा यही कहना है, मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैंने बहुत स्टार्टिंग में सोचा था ये सारी चीज़ें कि नहीं, ये वाली बात सोचो ना, जहाँ पे जाके तुम पोस्टें बढ़ा देते हो अनडिजर्विंग डिजर्विंग बन जाते हैं। और यूपीएससी ठीक है, कहने को बहुत बड़ी पोस्ट है, मैं किसी किसी को वो नहीं कर रहा कि हाँ ये ठीक है मेरे लिए, कुछ नहीं है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है, बट इसकी एक कॉस्ट तुम किसी की ज़िंदगी ख़त्म करके नहीं ले सकते हो, ठीक है। और ये तुम्हें बताने वाले बहुत कम लोग होंगे, और बताएंगे बताएंगे भी तो आपको ज़रूरी नहीं कि समझ आए, मुझे भी ये 2 साल या 2.5 साल बाद ही समझ आया है, तो ये वाली चीज़ है। और बिगनर्स के लिए जो चीज़ थी वो तो यही थी, और बाकी मेरे को ये चीज़ एड्रेस करनी थी, क्योंकि मैंने बहुत अपने माइंड में चीज़ों को रोक के रखा था, या मैं इनको एड्रेस नहीं कर रहा था। बाकी हाँ, आपको अगर कुछ क्वेरी या कमेंट कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताना। और इसके बाद एक नई सीरीज शुरू करूँगा मैं जल्दी ही, आई थिंक 2-4 दिन में मैं शुरू कर दूंगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी ही आपसे।